लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। गुजरात के वडोदरा शहर से चलकर श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन से करीब 1900 मजदूरों को लेकर बांदा पहुंची। इस श्रमिक स्पेशल ट्रेन में बांदा के अलावा लगभग 20 जनपदों के प्रवासी मजदूरों को लाया गया। मजदूरों के ट्रेन से उतरते ही सभी प्रवासी मजदूरों के नाम व पते नोट करते हुए सभी प्रवासी मजदूरों को जनपद के अधिकारियों के द्वारा चिन्हित 3 क्वारंटाइन सेंटरों में भेजने का काम किया गया। इन सभी लोगों को रोडवेज बसों के माध्यम से क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जा रहा है। इस ट्रेन में 1908 यात्री आए हैं, जिनमें से बांदा जनपद के 48 मजदूर शामिल हैं। इसके अलावा अन्य सभी प्रवासी मजदूर 20 जनपदों के हैं। इन सभी को रोडवेज बस के माध्यम से जनपद के चयनित 3 क्वारंटीन सेंटरों में रखा जाएगा। इसके बाद इनका स्क्रीनिंग व मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। इसके उपरांत इन्हें भोजन उपलब्ध कराते हुए इनके गृह जनपदों तक भेजने का काम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। ये जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन आई हुई है, ये वडोदरा से चल करके आई हुई है। इसमें सूचना के अनुसार 1908 लोग हैं, जो अधिकतर बाह्य जनपद के ही हैं। इसमें करीब 975 लोग लखनऊ के रहने वाले हैं, 436 लोग जालौन के हैं, करीब 152-153 लोग झांसी के हैं और लगभग 85 की संख्या ललितपुर की है, 15-20 की संख्या चित्रकूट की है, 49 बांदा के हैं यहाँ पे रहने वाले। जो नया शासनादेश है उसके अनुसार हम इनको सीधे घरों को नहीं भेज रहे हैं, उनके जिलों को नहीं भेज रहे हैं, बल्कि यहाँ से लेकर के हमने शेल्टर होम चिन्हित कर रखे हुए हैं। ये वहाँ पर जाएंगे, इनका एक बार वहाँ पर डिटेल नोट किया जाएगा और वहीं पर स्क्रीनिंग कराई जाएगी। वहीं पर अब इनको लंच भी कराएंगे, खाना खिलाएंगे और उसके बाद से इनको इनके गंतव्य स्थान यानी कि जनपदों को भेजा जाएगा। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।